वेलकम माई प्रीशियस कैप्रिकॉर्न सन मून एंड राइजिंग। सो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वैसे भी आपको अपने सन मून राइजिंग तो देखने ही चाहिए। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट फुल्ली विद यू, बट काफ़ी सारे मैसेजेस होंगे फॉर श्योर सबके लिए। एंड थैंक यू फॉर ऑल योर लाइक्स एंड कॉमेंट्स, आई जस्ट लव इट। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कॉमेंट करते हैं और लाइक करते हैं वीडियो। एंड अभी क्योंकि चैनल को शुरू करे हुए मेरे ख्याल से मुझे 20-25 दिन ही हुआ है, सो आई रियली नीड योर सपोर्ट। तो अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूले। रीडिंग इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक, तो किंग और क्वीन और गर्ल और बॉय और मेल और फीमेल कुछ भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। कोई भी कार्ड किसी के लिए भी हो सकता है। एंड एनर्जीज आर इंटरचेंजेबल, तो हो सकता है जब मैं आपकी बारे में बात करूँ तो एक्चुअली वो आपके पार्टनर के बारे में हो, या फिर जब आपके पार्टनर के बारे में बात करूँ तो आपके लिए हो। ओके सो इतने टाइम से कैप्रिकॉन्स मैं आपके आपकी रीडिंग में एक कार्ड देखती आ रही हूँ, वो कार्ड है 10 ऑफ वांड्स। ऐसा लगता है आप बर्डन फील कर रहे हैं किसी चीज़ से, ऐसा आप थके हुए टायर्ड से फील कर रहे होते हैं। मतलब बहुत बार मॉर्निंग जो शॉर्ट्स में डालती हूँ उसमें ये सारी चीज़ निकल के आती है। तो हो सकता है आप काम ज़्यादा कर रहे हों या फिर किसी रिलेशनशिप की वजह से परेशान हैं, बट डिसअपॉइंटेड तो आप मुझे दिखते हैं। लेट्स सी अभी की एनर्जीज इस मंथ की क्या है और मैं क्या नई चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। सो वी हैव किंग ऑफ कप्स। मुझे लगता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसके दिल में आपके लिए बहुत सारे इमोशंस हैं, या फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। तो यहाँ पे मुझे कोई इंसान दिख रहा है जिसके दिल में बहुत सारे इमोशंस हैं, जो सबको सबको सपोर्ट करता है, जो सबको साथ में लेके चलना चाहता है या फिर चलता है। बट किंग ऑफ कप्स में एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि ये किंग बहुत रिजर्व टाइप के होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को किसी को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो माइट बी पॉसिबल कि आप इस एनर्जी में हैं कि आप अपने जो इमोशंस हैं वो किसी को बता नहीं पा रहे हैं। वी ऑल्सो हैव स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे जो भी कुछ भी सर्कमस्टांसेस आपके लाइफ में चल रहे हैं वहाँ पे आपको हिम्मत रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके देन वी हैव पेज ऑफ वांड्स। सो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक पैशनेट किसी के लिए पैशन, आप नया नया पैशन फील कर रहे हैं किसी के लिए, कुछ फीलिंग्स नई नई आ रही है आपकी लाइफ में, या फिर हो सकता है कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको पसंद करने लगा लगा है, और विद टाइम आपको वो एक्सप्रेस भी करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एम्प्रेस भी है। बहुत ही ग्रोइंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, लाइक धीरे धीरे आप ग्रो कर रहे हैं। एंड देन वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे एक्चुअली कैप्रिकॉन्स बहुत सारी नई एनर्जीज मुझे दिख रही है। यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स जो कि बहुत ही टिपिकल कार्ड होता है स्टॉकर्स का, लाइक स्टॉकर्स इन अ गुड वे नॉट इन अ बैड वे। तो ऐसा लग रहा है कि कोई आपका सोशल मीडिया चेक कर रहा है और आपको बस दूर से ही देख रहा है। कोई आपके ऑफिस में भी हो सकता है जो आपको पसंद करने लगा है। यहाँ पे दो पेजेस हैं, मतलब दो कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, फ्रेश फ्रेश इमोशंस, फ्रेश फीलिंग्स और नया नया जो कुछ भी फील होता है प्यार में तो उसकी एनर्जीज मुझे दिख रही है यहाँ पे। मुझे आपकी लाइफ में कोई कोई लोग भी दिख रहे हैं, शायद आपकी लाइफ में दो लोग हैं। दो लोग ज़रूरी नहीं है कि ये किसी रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में ही हो। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट फ्रेंड है और दूसरे आपके पर्सन है, या फिर दो लोग हैं। हो सकता है कोई आपको पसंद करता है और हो सकता है एक दूसरा कोई और व्यक्ति है जिसे आप पसंद करते हैं, और दोनों ही एनर्जीज मुझे बहुत ही प्यारी लग रही है। एक एक एनर्जी है जो बहुत ही इमोशनली स्टेबल है बट थोड़ी रिजर्व टाइप की है। दूसरी एनर्जी है जो बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही ग्रोइंग स्टेज पे, बहुत ही अबंडेंट एनर्जी है। कोई दूसरा इंसान है जो लाइफ में आपके है और वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है करियर वाइज एंड इमोशनली एंड स्टफ लाइक दैट। सो यहाँ पे मुझे नई एनर्जीज आते हुए दिख रही है। यहाँ पे नाइट ऑफ वांड्स भी है, तो ऐसा लग रहा है कोई आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है कुछ ऑफर लेके।
यहाँ पे वांस मुझे 2 बार दिख चुका है। सो ये जो भी रिलेशनशिप है, ये बहुत ही पैशनेट एनर्जीज मुझे दिख रही हैं यहाँ पे किसी की साइड से, लाइक आपके लिए फीलिंग्स और आपके लिए पैशन और यू नो व्हाट आई मीन, फिजिकल अट्रैक्शन। तो वो सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है आप किसी एरीज लियो या सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं, या फिर आपके चार्ट में स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है एरीज लियो या सैजिटेरियस का। और यहाँ पे लियो तो बहुत ही स्ट्रांगली है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड भी है और ये किंग ऑफ कप्स हैं, तो किंग ऑफ कप्स मुझे किसी कैंसर पाइसिस या स्कॉर्पियो की एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे नई नई फीलिंग्स, नए नए इमोशंस, कोई आपको स्टॉक कर रहा है, कोई आपसे बात करना चाहता है, वो सारे मुझे चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, विच इज़ रियली नाइस। वाह, कैन यू इमेजिन, कैन यू, पेज ऑफ पेजेस दिखे, अब हमें नाइट ऑफ कप्स दिख रहा है। नाइट ऑफ कप इज द होल कार्ड, मींस कि कोई आपके पास कुछ प्यार भरा ऑफर लेके आना चाहता है, या आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, आप किसी को कुछ ऑफर करना चाहते हैं। दिस इज वेरी लविंग एनर्जी, ये आपकी ओवरऑल सिचुएशन दिख रही है। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई है जो बहुत ही गार्डेड फील कर रहा है, मतलब हो सकता है कि किसी, ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं जिन्हें आप पसंद करते हो, या फिर आप इस एनर्जी में हो। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कोई है जो बहुत ही गार्डेड है, हो सकता है उनके पास्ट में कुछ एक्सपीरियंसेस बुरे रहे हों, तो वो अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को खुल के यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। और हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो लाइफ में कि आप बहुत ज़्यादा अकेले हैं, या फिर आपके जो पर्सन हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं वो आपको पसंद नहीं करते हैं। तो हो सकता है जिन्हें आप ऑफर देना चाहते हैं वो आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो रेडी नहीं है ये ऑफर लेने के लिए। और ये जो आपके पर्सन हैं, मुझे ये इस एनर्जी में दिख रहे हैं कि ये किसी को अपने पास में नहीं आने देते हैं क्योंकि ये इमोशनली थोड़ा शायद कम सोचते हैं, या फिर या द सेम थिंग यू नो कैप्रिकॉन्स, ऐसा लग रहा है कि वो जो ये जो पर्सन हैं इनको ऐसा लगता है कि एक रिलेशनशिप में आना, रिलेशनशिप में आने से काफ़ी पेन मिलता है, तो इनके पास के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं दिख रहे हैं रिलेशनशिप्स में। यहाँ पे हमारे पास एम्परर है, वहाँ पे हमारे पास एम्परर था, तो आपका जो पूरा फोकस है इस इंसान पे है, ये बहुत ही चार्मिंग है जो भी है, अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ही स्टेबल है अपनी लाइफ में, और बहुत हैंडसम या ब्यूटीफुल हैं प्रोबेबली, जेंडर डजेंट मैटर राइट। सो यहाँ पे मुझे कोई दिख रहा है आपकी लाइफ में जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं, और वाओ, पास्ट में मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज़ से डिसअपॉइंटेड थे और आप वहाँ से निकल गए थे, एक नए रास्ते पे निकल गए थे, और मुझे लग रहा है कि पास्ट के किसी, हो सकता है आप पास्ट के किसी रिलेशनशिप से निकल के आपको अब कोई और पसंद आने लगा है, और फाइनली जो टॉक्सिक चेन है आपके पास्ट की वो ख़त्म हो गई है, या फिर अगर आप ऑलरेडी इनके साथ रिलेशनशिप में हैं तो आप, मुझे लग रहा है कि जो पास्ट की नेगेटिविटी थी उन सबको आप दोनों पार करके और एक नए लेवल पे जा रहे हैं रिलेशनशिप के। बट स्टिल यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है उनका हार्ट चक्रा थोड़ा सा ब्लॉक है, इमोशनली बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं वो। देन वी हैव प्रेजेंट में मुझे लग रहा है कि आपको कुछ डिसीजन लेना है कैप्रिकॉन्स, और वो डिसीजन आप बहुत ही क्लियरली ले नहीं पा रहे हैं। ये आपकी स्ट्रेंथ है, पता है आपको, आपकी स्ट्रेंथ है, जिस दिन आप डिसीजन प्रॉपर ले लेंगे तो आपकी लाइफ सही डायरेक्शन में जाने लगेगी। और यहाँ पे अगर ये आप हैं, अगर कोई आपके पास आ रहा है और आप गार्डेड फील कर रहे हैं, आपको ये लग रहा है मुझे ये ऑफर नहीं चाहिए क्योंकि पास्ट में मुझे डिसअपॉइंटमेंट्स मिले हैं, तो आपको ये एनर्जी चेंज करने की ज़रूरत है कैप्रिकॉन्स, क्योंकि यहाँ पे कोई है जो आपको पसंद करता है। और यहाँ पे आपने बस आंखों पे पट्टी बांध ली है ऐसा लग रहा है, और फिर से अगेन आई वांट टू से कि आप मुझे गार्डेड लग रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा।
मतलब आप किसी को आने नहीं दे रहे हैं, अपनी लाइफ में किसी को एंटर नहीं करने दे रहे हैं और आप सही डिसीज़न ले नहीं पा रहे हैं। शायद ये एक स्ट्रगल है आपके दिल और दिमाग में, या फिर एज़ यू नो मैं जो बातें कर रही हूँ, हो सकता है वो आपके पार्टनर की एनर्जीज हो। तो यहाँ पे एक स्ट्रगल होते हुए मुझे दिख रहा है दिल और दिमाग का, किस रास्ते पे जाना है, दिल से सोचना है या दिमाग से सोचना है, थोड़ा उसका मुझे यहाँ पे स्ट्रगल दिख रहा है यहाँ पे। बट मुझे लग रहा है कि नियर फ्यूचर में आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। सो आप जो डिसीज़न अभी नहीं ले पा रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपको डिसीज़न लेने में आसानी होगी। यहाँ पे जजमेंट कार्ड से मुझे सेकंड चांसेस भी दिख रहे हैं। तो जो लोग रिकन्सिलिएशन का सोच रहे हैं, अगर वो नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो यहाँ पे देर आर चांसेस कि आपका रिकन्सिलिएशन हो जाए और आप लोगों के रिलेशनशिप को एक सेकेंड चांस मिले। बट यहाँ पे बहुत एक प्यारी एनर्जी है फ्यूचर में जो मुझे दिख रही है, कि एकदम से किसी को कुछ सेल्फ रियलाइजेशन होने वाला है। हो सकता है कि आपको रियलाइज़ हो जाए कि आप किसी इंसान के लिए कितना ज़्यादा फील करते हैं, या फिर किसी और को रियलाइज़ हो जाए कि वो आपके लिए कितना ज़्यादा फील करते हैं। और ये जो ऑफ़र आ रहा है और जो अभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि जो पर्सन है ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा एक सेल्फ रियलाइजेशन आते हुए मुझे दिख रहा है। और दो पास्ट के दो कार्ड्स देख के मुझे लग रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप हील भी कर रहे हैं। यहाँ पे हीलिंग कार्ड भी आया है आपके एटीट्यूड और इमोशन में। तो अगर आप हील नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए मैसेज है कि पास्ट को हील कर लीजिए। अब हील करने का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो फॉरगिवनेस होता है। तो अगर पास्ट में आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है, या फिर ये जो पर्सन है इन्होंने आपके साथ पास्ट में गलत किया है, और क्योंकि आपके रिलेशन को एक सेकेंड चांस मिल रहा है, तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इस इंसान को माफ़ कर दें और हीलिंग वाले पाथ पे चले जाएं। जो पुराना नेगेटिव हुआ है आप मेडिटेशन करिए, कोई भी शेडो वर्क होता है, बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं जो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। तो पुराना जो हुआ है उसको आपको एकदम लाइफ पे, वाओ सच ए नाइस वेदर, सो जो पुराना हुआ है पास्ट में उसको आपको हील करने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि पास्ट का जो बैगेज है वो आपको फ्यूचर में लेके नहीं जाना है। मुझे यहाँ पे जिसका भी ये हार्ट चक्रा ब्लॉक दिख रहा है, ये मुझे पास्ट की एनर्जीज की ही वजह से दिख रहा है। मतलब फॉर से किसी के साथ पास्ट के रिलेशनशिप में कुछ गलत हुआ है और अब आगे वो रिलेशनशिप में आने से डर रहा है, या फिर सेम रिलेशनशिप में आने रिकन्सिलिएशन से डर रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें यहाँ पे ख़राब हो सकती हैं। इसीलिए जो भी पास्ट में नेगेटिविटी है उसको हील करना ही पड़ेगा आपको आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे मुझे डेविल दिख रहा है। यहाँ पे किसी की कुछ आदतें हो सकती हैं जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई कोई इन्फ्लुएंस है आपकी लाइफ में, कोई पर्सन है जो बहुत ही कंट्रोलिंग है आपके रिलेशनशिप में, या फिर आप में और आपके पर्सन में कोई है जो बहुत ही ज़्यादा पजेसिव है, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग है, और जिसके दिल में बहुत ही इजीली जेलेसी आ जाती है। तो ये चीज़ भी एक जाने की है, इस रिलेशनशिप से, इस सिचुएशन से जाने की ज़रूरत है। अगर कोई कोडिपेंडेंट है यहाँ पे, जैसे आप अगर अपनी सारी खुशियों के लिए अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो आपको वो चीज़ अपने दिमाग से हटानी पड़ेगी। अगर आप बहुत ही ज़्यादा, आप बिल्कुल भी अगर आप स्पेस नहीं देंगे अपने पर्सन को, ब्रीदिंग स्पेस जो हर किसी को मिलनी चाहिए एक रिलेशनशिप में, तो वो आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अगर पास्ट में कुछ गलत हुआ है, तो वो बहुत ही टॉक्सिक, किसी को लग रहा था कि वो आपके साथ बंध गए हैं और उन्हें बिल्कुल बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिल रही है इस रिलेशनशिप में। तो आप उस चीज़ का बहुत ही मेजर ध्यान रखें यहाँ पे, कि अगर ये आपका एटीट्यूड है बहुत ही पॉजिटिव, एक्स्ट्रा पॉजिटिवनेस है, तो वो आपको हटाने की ज़रूरत है यहाँ पे। यहाँ पे अगेन मुझे कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है कि आपका अपने आपके पर्सन के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है।
या किसी के साथ ये हो सकता है कि आपके किसी फ्रेंड सर्कल में झगड़ा हुआ है जिसका पार्ट आप और आपके फ्रेंड आपके पर्सन दोनों थे, या फिर एक ये फैमिली डायनेमिक्स भी हो सकता है अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है कि कुछ आउटसाइड इन्फ्लुएंस की वजह से झगड़े हुए हैं आप लोगों के। और यहाँ पे एक फियर भी है, या तो आपको फियर है या आपके पार्टनर को फियर है कि वो इस रिलेशनशिप में रहेंगे तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा झगड़े हो सकते हैं और ये रिलेशनशिप सही डायरेक्शन में नहीं जाएगा। इसीलिए कोई अपने हार्ट चक्रा को यहाँ पे ओपन नहीं कर रहा है, अपने इमोशंस को सही से एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। सो किसी का कुछ ना कुछ तो टॉक्सिक बिहेवियर है जिसके जिसकी वजह से जो दूसरे पर्सन हैं उनको इस रिलेशनशिप से ही डर लग रहा है। देन वी हैव द मून, जो आपके रिलेशनशिप का आउटकम है वो हिडन है और ये रिलेशनशिप किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है अगर इस रिलेशनशिप से, या फिर ये जो सिचुएशन है ये डायनेमिक्स है इसमें अगर टॉक्सिसिटी हट जाती है और किसी इंसान को ऐसा फील हो जाता है कि ये रिलेशनशिप उनके लिए अच्छा है, सिक्योर है और प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और उनकी लाइफ डिफ़िकल्ट नहीं होगी इस रिलेशनशिप में रहने के बाद, तो ही यहाँ पे जो आउटकम है वो मुझे पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको जो अपने पार्टनर की 100% सच्चाई है वो नहीं पता है, क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ पे ब्लॉक है, उनका हार्ट ही ब्लॉक है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप पूरे तरीके से जो पूरी सिचुएशन है उनकी पूरी फीलिंग्स है वो आप जान नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने पार्टनर को थोड़ा सिक्योर और प्रोटेक्टेड फील करवाएं और उन्हें ये फील करवाएं कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपकी साइड से आप अपना 100% देंगे एंड समथिंग लाइक दैट, सो दैट कि उनका जो हार्ट चक्रा है वो ओपन हो पाए, या फिर वो दिल से सोच पाएँ और दिमाग से कम सोचें और जो अपने इमोशंस हैं, जो अपनी फीलिंग्स हैं वो आपको बता पाएँ। तो या कैप्रिकॉन्स, आई टेक फ्यू कार्ड्स और एकल कार्ड्स। यहाँ पे बहुत सारी नई एनर्जीज भी मुझे आते हुए दिख रही हैं, तो होप सो चीज़ें अच्छी हो जाए, आपको सेकंड चांस मिले। कोई यहाँ पे किसी को स्टॉक करते हुए भी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, हो सकता है कि आपके पर्सन हूँ जो आपको स्टॉक करे हो फेसबुक इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे, या फिर आप कर रहे हो और कहीं ना कहीं से आप कोई पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि दूसरे इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या फील कर रहे हैं वो। यहाँ पे मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि जो पैशन है वो बहुत ही टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट हो गया है किसी का, मतलब एज इन कि कोई किसी को बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा पसंद करता था, इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो गया कि ये रिलेशनशिप ही टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट हो गया है। तो इतना ज़्यादा ऑब्सेशन किसी के लिए अच्छा नहीं है, ये मैसेज मिल रहा है मुझे। अब आई डोंट नो ये आपकी एनर्जी है या आपके पार्टनर की एनर्जी है। करेज, तो अगर आप अपने दिल की बात या जो इम्पोर्टेंट बात है रिलेशनशिप में वो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप अपनी फीलिंग्स किसी को नहीं बता पा रहे हैं, तो यहाँ पे कार्ड आया है कि आपको करेज रखने की ज़रूरत है। अगर आप किसी के पास जा रहे हैं नाइट ऑफ कप्स से जो हमें दिख रहा था, तो आपको करेज रखने की ज़रूरत है, हिम्मत रखने की ज़रूरत है कि आप जो दूसरे पर्सन हैं उनको कन्विंस कर लेंगे, या फिर उनके जो डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर देंगे और उन्हें उन्हें इस लेवल तक ले आएंगे कि वो आप पे फुली ट्रस्ट कर सके। यहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स से गोइंग फॉरवर्ड है, तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जो पास्ट में हुआ है उससे अपने अपने रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़ने दें। बहुत सारी नई एनर्जीज हैं, सो जो नया शुरू हो रहा है उसको एक लाइक जो जो भी पास्ट में हुआ है उसको
उसकी वजह से जो प्रेजेंट में अच्छी चीज़ें हैं उनको ख़राब मत करिए, आगे बढ़िए पास्ट को भूल के। देन वी हैव प्योरिटी, सो अगेन सेम कार्ड है, प्योरीफाई करना है आपको, जो भी नेगेटिविटी है उसको हटाना है, आगे बढ़ना है, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। तो ये क्या टॉक्सिसिटी है, ये यू नो इट बेटर। मुझे ये कार्ड जो है डेविल कार्ड, जो लवर्स कार्ड होता है, यहाँ पे एंजल्स होते हैं और यहाँ पे दो फिगर्स होते हैं, दो लोग होते हैं यहाँ पे, बट डेविल में ये चीज़ कन्वर्ट हो जाती है, यहाँ पे डेविल आ जाता है और ये जो दोनों लोग हैं इनके गले में जंजीरें बन जाती हैं। सो यहाँ पे कोई किसी को अगर कंट्रोलिंग है तो यू नीड टू सी, या फिर पास्ट के कोई नेगेटिव पैटर्न्स है जो आपके रिलेशनशिप में बार बार रिपीट होते हैं, तो उनको भी आपको ख़त्म करने की यहाँ पे ज़रूरत है कैप्रिकॉर्न्स। और कुछ मैसेजेस लेते हैं, ये मैसेज यूनिवर्स की साइड से या आपकी पर्सन की साइड से भी हो सकते हैं। आपकी इस महीने की जो स्ट्रेंथ है वो है कि आपको सही डिसीज़न लेना है। आप जो डिसीज़न लेंगे, जिस रास्ते पे जाएंगे, वही आपके लिए बहुत ही मेजर चेंजेस लेके आएगा आपके रिलेशनशिप में। यू आर अडोर्ड, कोई आपको पसंद करता है कैप्रिकॉन्स। तो किसी को आप अच्छे लगते हो, कोई आपको पसंद करता है, कोई आपको स्टॉक कर रहा है, सो वेरी नाइस एनर्जीज। एंड वी ऑल्सो हैव फॉरगिव, तो किसी ने आपके साथ पास्ट में जो कुछ गलत किया है, अगेन वी आर डिस्कसिंग द सेम थिंग, तो आपको माफ़ करने की ज़रूरत है कैप्रिकॉर्न्स। देन वी हैव बी ट्रू टू योर सेल्फ, खुद से, इसीलिए यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ट्स है और उससे मिलता जुलता मैसेज है, बी ट्रू टू योर सेल्फ, खुद से सच बोले, दूसरों से आप चाहे कुछ भी बोलते हो खुद से सच बोले, खुद की फीलिंग्स को पहचाने, खुद के इमोशंस को पहचाने, उसकी बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, सो विल टेक फ्यू चैनल्ड मैसेजेस, ये आपके पर्सन से हो सकते हैं, आपके पास्ट पर्सन से, आपके प्रेजेंट में जो पर्सन है उनसे क्या कहना चाहते हैं वो। ओके, यहाँ पे कोई बोल रहा है आई एम फोकसिंग ऑन माई करियर, तो हो सकता है आप करियर पे फोकस कर रहे हो, या जिन्हें आप पसंद करते हैं वो करियर पे फोकस कर रहे हो, क्योंकि वैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि वो दिल से कम सोच रहे हैं, दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पे एक और मैसेज है, विल यू ट्रीट मी लाइक बिफोर, क्या आप मुझे वैसे फिर से ट्रीट करेंगे जैसे आप पहले करते थे, कोई आपसे पूछ रहा है कैप्रिकॉर्न्स। ओहो, यहाँ पे एक और मैसेज है, यू आर एप्पल ऑफ माई आईज, सो वाह, बहुत ही लविंग एनर्जीज हैं। बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जीज नहीं हैं, बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जीज लाइक पास्ट के पर्सन से रिकन्सिलिएशन की भी है। यहाँ पे एक और मैसेज है, आई गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल, मतलब ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि दूसरे लोगों से मैं इन्फ्लुएंस होके मैंने डिसीजन ले लिया था कुछ। प्लीज़, ओ प्लीज़ फॉरगेट मी एंड फॉरगिव मी, यहाँ पे किसी पर्सन से आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप मुझे भूल जाएं और माफ़ कर दें। एक और मैसेज है, आई एम गिल्टी, मैं गिल्टी हूँ। देन वी हैव, आई हैव सो मच डिज़ायर फॉर यू, मैंने कहा ना पैशन तो इस रिलेशनशिप में बहुत है। देन वी हैव वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करो या मेरा इंतज़ार करना। लेट्स सी सम चांस। मेरे चांस के बोल में हमेशा मुझे कॉइन्स मिल जाते हैं, क्योंकि मेरी छोटी बहन इसमें कॉइन्स रख देती है लाके। सो या वी हैव, मैं इनको गणेश जी मानती हूँ, और मुझे, मैं जब भी ये चाम देखती हूँ तो मुझे लगता है कि न्यू बिगनिंग्स कुछ शुरू होने वाली हैं आपकी लाइफ में। देन वी हैव पिस्टल, सो
आपको अगर किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो प्लीज़ आप गुस्सा कम करिए एंड प्लीज़ फॉरगिव, प्लीज़ फॉरगिव. आप फॉरगिव करेंगे तभी आप हील कर पाएंगे कैप्रिकॉर्न्स. देन वी हैव गिटार. तो हो सकता है कि आपके पर्सन गिटार बजाते हो या आप बजाते हो या फिर आप लोग म्यूजिकली इंक्लाइंड हो या फिर हो सकता है आप एक दूसरे को सॉन्ग्स डेडिकेट करते हो या फिर ये कोई क्रश भी हो सकता है जो आपको सॉन्ग्स डेडिकेट करना चाहता है. देन वी हैव वी, देन वी हैव टी एंड सी एंड आई, दो बार आए. देन वी हैव तीन बार आए. ऐसा लग रहा है कोई आपसे बोलना चाहता है लव यू बट बीच में उसकी सुई आई पे अटक गई और वो आपको बोल नहीं पा रहा है. आई एम सॉरी फॉर सच इंटरप्रिटेशंस. देन वी हैव एन एंड पी एंड ओ. तो ये आपके पार्टनर के अल्फाबेट्स हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं. एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस कैप्रिकॉर्न्स. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.